सुबह सुबह हम मम्मियों की टेंशन होती है कि हम बच्चों को ऐसा लंच में क्या दे जो बच्चे बिल्कुल ही लंच फिनिश करके आए। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ किड्स स्पेशल दो लंच बॉक्स की रेसिपी, जो कि बहुत ही हेल्दी है और सुपर टेस्टी भी बन के तैयार होगी। सबसे बड़ी बात तो ये बहुत ही कम समय में बन के तैयार होती है। तो चलिए सबसे पहला लंच बॉक्स की रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम गैस पे एक पैन रखेंगे। अब यहाँ पे हमने आधी कप पानी और हाफ टी स्पून हमने इसमें नमक ऐड की है। पानी में उबाल आने देते हैं। साथ में यहाँ पे हमने आधी कप सूजी और 1/4 कप यहाँ पे हमने डेसिकेटेड कोकोनट ले ली है। अब चलाते हुए इसे हम अच्छी तरीके से पका लेंगे। आप चाहे तो फ्रेश नारियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि फ्रेश नारियल हमेशा नहीं होती है, तो मैं ना इसी तरीके से डेसिकेटेड कोकोनट से इसे बनाती हूँ। सूजी जो है ना अच्छी तरीके से पक चुकी है, इसे साइड करते हैं। अब दूसरी तरफ यहाँ पे हमने पानी गर्म होने रख दी है। अब हम क्या करेंगे ना, इसे इस तरीके से चलाते हुए ठंडा कर लेंगे और इसे एक दूसरे बर्तन में हम ट्रांसफर कर देंगे। साथ में यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून हमने इसमें तेल ऐड की है। अब हम इसे मसलते हुए इसका डो तैयार करेंगे और ये आप देख सकते हैं हमने इसका डो तैयार कर लिया है। इधर जिस प्लेट में हम स्टीम करेंगे ना उसमें हम ऑयल से थोड़ा ग्रीस कर लेते हैं, इसे साइड करते हैं। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा मिक्सर लेकर के ना सूजी के इस तरीके से बॉल्स बना करके तैयार कर लेंगे। छोटा या बड़ा आप अपने हिसाब से बना करके तैयार कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके का बॉल बना करके तैयार कर लिया है। इसी तरीके से मैं सारे सूजी के बॉल्स बना करके रेडी कर लेती हूँ। और ये लीजिए सारे सूजी के बॉल्स हमने बना के तैयार कर ली है। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे यहाँ पे पानी में उबाल आ चुकी है। अब हम इस प्लेट को ना इस कढ़ाई में रख देंगे स्टीम होने के लिए। 5 से 6 मिनट के लिए हम इसे स्टीम होने के लिए रख देते हैं। 5 से 6 मिनट के बाद हमने ढक्कन हटाया। ये आप देख सकते हैं ये अच्छे से स्टीम हो चुकी है, इसे साइड करते हैं। अब इसके लिए ना तड़के की तैयारी कर लेते हैं। गैस पे यहाँ पे हमने एक पैन रखी है, छोटी सी क्यूब बटर की, 1/2 टेबल स्पून काली सरसों और 2 से 3 यहाँ पे हमने कड़ी पत्ता इसमें ऐड की है। कुछ सेकंड के लिए इसे हम पकने देते हैं। साथ में यहाँ पे हमने वो जो बॉल्स हमने स्टीम की थी ना इसे हम इस टाइम पे ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसे इस तरीके से रोटेट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने 1/2 टेबल स्पून तंदूरी मेयोनीज ऐड की है। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहे तो डालें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। साथ में 1/2 टेबल स्पून टमाटो केचप और थोड़ी सी हमने यहाँ पे पिज्जा सीजनिंग इसमें ऐड की है। इसे हम इस तरीके से 1 से 2 मिनट इसे हम रोटेट कर लेंगे। इस तरीके से बनाएंगे ना तो बच्चों को ये बहुत ही पसंद आएगी। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और ये आप देख सकते हैं सूजी के बॉल्स बन के बिल्कुल तैयार है। आप इसे ना बॉल्स इडली भी कह सकते हैं। ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट है। सबसे बड़ी बात तो ये बहुत ही कम समय में बन के तैयार होती है, सुपर सॉफ्ट ये बनी रहती है। आप इसे सुबह के नाश्ते में भी बना करके तैयार कर सकते हैं और ये बहुत ही हेल्दी होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की ओर। भरमसली पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले गैस पे यहाँ पे हमने एक पैन रखी है, 1 टेबल स्पून हमने इसमें घी ऐड की है। साथ में यहाँ पे हमने 1 कप भरमसली ले ली है। इसे अब हम घी में
डाल देंगे। उसके बाद हम लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे हम चलाते हुए अच्छी तरीके से भून लेंगे। हाई फ्लेम पे इसे आपको बिल्कुल भी नहीं भूनना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे आपको वर्मसिली को भून लेना है। और ये आप देख सकते हैं वर्मसिली जो है ना भून चुकी है। अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर देते हैं। सेम पैन में यहाँ पे हमने हाफ टेबल स्पून घी फिर से ऐड की है, साथ में यहाँ पे हमने 2 टेबल स्पून मूंगफली और 8 से 10 यहाँ पे हमने 2 टुकड़ों में कटे हुए काजू इसमें ऐड किया है। चलाते हुए इसे भी हम लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं काजू और मूंगफली रोस्ट हो चुकी है। इसे आप प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं और इसे साइड करते हैं। सेम पैन में यहाँ पे हमने 2 टेबल स्पून तेल, 1/2 टेबल स्पून काली सरसों, 1/2 टेबल स्पून चने की दाल, 1/2 टी स्पून हींग, 3 से 4 यहाँ पे हमने कड़ी पत्ते ले ली है। इसे हम 2 टुकड़ों में काट करके इसमें ऐड करेंगे और कुछ सेकंड के लिए इसे हम चलाते हुए भून लेंगे। अब यहाँ पे हमने 1 मीडियम साइज में बिल्कुल बारीक कटे हुए प्याज और 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 2 से 3 बड़े चम्मच यहाँ पे हमने फ्रोजन मटर इसमें ऐड की है। चलाते हुए इसे हम 2 से 3 मिनट अच्छी तरीके से भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला। सारी चीजों को अच्छी तरीके से सारी चीजों के साथ हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। आप मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं अगर आपको तीखा थोड़ा ज्यादा पसंद हो। मैं यहाँ पे बच्चों के लिए बना रही हूँ ना, तो मिर्च यहाँ पे मैं कम इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम इसमें 2 कप पानी ऐड करेंगे। जैसे 1 कप वर्मसिली है ना, तो 2 कप हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अब हम इसमें ना भुने हुए वर्मसिली को ऐड करेंगे और अच्छे से हम पानी में मिक्स करेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद चलाते हुए अच्छे से मिक्स करते हुए इसे हम ढक करके 5 से 7 मिनट इसे हम पकने देंगे। और ये आप देख सकते हैं 5 से 7 मिनट के बाद हमने ढक्कन हटाया, वर्मसिली जो है ना अच्छी तरीके से पक चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे रोस्ट किए हुए मूंगफली और काजू, साथ में बारीक कटे हुए हरा धनिया हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छे से हम सारी चीजों के साथ मिक्स कर देंगे और ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी बन के तैयार हुई है। ये देखिए, इस तरीके से बनाएंगे ना तो सुपर टेस्टी डिलीशियस ये बनके तैयार होगी। 8 से 10 मिनट में ये रेसिपी आप बना करके तैयार कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 नींबू का रस। नींबू का रस ऐड करने के बाद अच्छे से हम वर्मसिली में मिक्स करेंगे और ये आप देख सकते हैं वर्मसिली पुलाव बनके बिल्कुल तैयार है। अब चलते हैं आगे की प्रोसेस पे और ये लीजिए वर्मसिली पुलाव बन के बिल्कुल तैयार है। ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट है। आप चाहे तो इसे सुबह के नाश्ते में भी बना करके तैयार कर सकते हैं। ये सुपर टेस्टी और डिलीशियस बन के तैयार होती है और सबसे बड़ी बात तो ये बहुत ही हेल्दी होती है। दोनों ही रेसिपी बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही कम समय में बन के तैयार होती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द आपसे मैं मिलती हूँ ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।